यजदीप करने वाला है अनुपमा को प्रपोज। जी हाँ गाइस, दोस्तों आने वाला एपिसोड आपको बहुत ही अमेजिंग देखने को मिलेगा अनुपमा का। और वही एक तरफ आपको अनुपमा के अपकमिंग एपिसोड के अंदर देखने को मिलेगा कि फाइनली यजदीप करने वाला है अनुपमा को प्रपोज। जी हाँ गाइस, दोस्तों हुआ कुछ ये, यानी कि आने वाले एपिसोड के अंदर देखने को मिलेगा कि फाइनली यजदीप जो होता है अपने रेस्टोरेंट री ओपनिंग के लिए जा रहा होता है, यानी कि स्पाइस एंड चटनी की री ओपनिंग के लिए फाइनली वो जा रहा होता है बीजी के साथ। तो वही एक तरफ बीजी उसको रोक लेती है और रोकने के बाद बोलने लग जाते कि रुक जा, तुझे जाने से पहले ये अंगूठी ले ले, जी हाँ ये रिंग ले ले, ये छल्ले उसको दे दियो और अपनी मन की बात कह दियो, जी हाँ। और वो चुपचाप हो जाता है और कुछ बोलता नहीं है बीजी को और फाइनली वहाँ से चली जाती है। और वही तरफ आपको देखने को मिलेगा कि जो ये यजदीप होता है वो फाइनली अपने आप से ही बोलने लग जाते हैं कि क्या सोचेगी अनुपमा। वेल, मैं अनुपमा को बहुत ही अच्छा दोस्त मानता हूँ, पर मैं ये नहीं चाहता हूँ कि हमारी दोस्ती टूट जाए इस रीजन से। पर मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ कि अनुपमा मेरे से बात करना छोड़ दे, क्योंकि हम दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त है। जी हाँ, कल वो ऐसे सोचने लग जाता है अनुपमा के बारे में, लेकिन उसको अपनी फीलिंग्स के बारे में भी ख्याल आता है और वो बोलने लग जाता है कि मैं अनुपमा के लिए कुछ तो फील करता हूँ, कुछ नहीं उससे मैं प्यार करता हूँ, तो मैं ये कह के ही रहने वाला हूँ। जी हाँ, और जो होगा सो देखा जाएगा, मैं उसको कह दूंगा कि मैं आपसे प्यार करता हूँ अनुपमा। अब देखते हैं आखिर क्या होने वाला है आज। वेल, आज आर नहीं तो पार होने वाला है। जी हाँ वेल, दोस्तों अब देखना ये होगा कि क्या होता है अपकमिंग एपिसोड के अंदर। वेल, मैं आपको बता दूं ये एक चीज किसी को भी नहीं पता है सिवाय अनुज के। वेल, अनुज को भी पता चल जाता है रीओपनिंग के अंदर, क्योंकि रीओपनिंग के अंदर अनुज देख लेता है यजदीप की अंगूठी। और फाइनली जो अनुज होता है यजदीप से पूछने लग जाता है कि तुम प्रपोज करने वाले हो अनुपमा को, तो वही एक तरफ जो यजदीप होता है बोलने लग जाता है कि हाँ मैं प्रपोज करने वाला हूँ अनुपमा को, मैं उससे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और अभी तक तो मुझे पता नहीं चला कि वो मुझे पसंद करती है या फिर नहीं, लेकिन आज मुझे पता चल जाएगा कि वो मुझे पसंद करती है या फिर नहीं। वेल, अब देखना ये होगा कि क्या होता है अपकमिंग एपिसोड के अंदर। वेल, वैसे आपको क्या लगता है क्या होने वाला है अपकमिंग एपिसोड के अंदर, तो वो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। ऐसे अनुपमा के अपकमिंग एपिसोड के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पर इतने अपडेट के साथ। बाय।